अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ द बुक ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। टुडे आई एम सॉल्विंग द प्रैक्टिकल नंबर 1 ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल इज टू स्टडी द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। ओके स्टूडेंट्स, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। इसमें प्रीवियस वीडियोस में मैंने रोम्बिक सल्फर किस तरह तैयार की जाती है इसका पूरा प्रोसेस समझाया था। ओके, ये देखें रोम्बिक सल्फर है। ओके स्टूडेंट्स, ये रोम्बिक सल्फर बताइए कैसे रेडी होती है। उसके बाद मैंने मोनोक्लोरिन सल्फर की वीडियो बनाई थी। आज मैं जो तैयार कर रहा हूँ प्लास्टिक सल्फर तैयार कर रहा हूँ। इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, चाइना डिश के अंदर हमने कुछ सल्फर का पाउडर चाइना डिश में लेने के बजाय हमने आज टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया। ये देखिए रूहान नेता दिखाइए, देखें टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने चाइना ये सल्फर का पाउडर लिया है। इसको हम हीटअप करेंगे। ओके, हीटअप करें, रूहान रखें इसके सामने, थोड़ा ऊपर रखिएगा। हाँ ओके, तो इसको हम हीटअप कर रहे हैं, बल्कि ऐसा करें रूहान, एक मिनट रखिए। स्टूडेंट देखें, ये हम सल्फर को हीटअप कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के फ्लेम के ऊपर, स्पीड लैम्प के ऊपर। तो ये जो है हीटअप हो रही है। ओके, हम इस वक्त जो है रोम्बिक सल्फर तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसका कलर सबसे पहले येलो होगा, येलो होने के बाद रेड होगा, रेडिश ब्राउन जब होगा तो हम इसको बीकर के अंदर ठंडे पानी में इसको हम डाल देंगे। ये हमारे पास बीकर मौजूद है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये बीकर है। इसके अंदर हम इस सल्फर को जब ये मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर हम डालेंगे बीकर के अंदर, तो हमारे को इलास्टिक वाले जो है वो प्लास्टिक सल्फर ऑब्टेंड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप ये चेक कर रहे हैं, ये हम इसको हीटअप कर रहे हैं। देखें आपको बबल्स उठते हुए नज़र आ रहे हैं, ये हीटअप हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको पकड़िएगा मोबाइल को, इस तरफ फोकस करें, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, मेरी तरफ यहाँ दिखाओ उसको, चेक करें सही से। स्टॉप कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुक में देखें प्लास्टिक सल्फर कैसे रेडी होती है, इसके प्रोसेस क्या है। लिखा हुआ है टेक पाउडर सल्फर इन अ क्लीन चाइना डिश। मैंने चाइना डिश के बजाय मैंने यहाँ पे लाइए, यहाँ चाइना डिश के बजाय मैंने टेस्ट ट्यूब यूज़ की, इसमें सल्फर को डाला है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने जो है ड्यूरिंग हीटिंग स्टील विद अ ग्लास रॉड। ओके, इसको ग्लास रॉड से स्टील भी करना है। जब हीटिंग करेंगे तो येलो कलर का लिक्विड बनेगा, उसके बाद ये रेड कलर में चेंज होगा। ओके, और इसमें से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर इसको हम जो है ठंडे पानी में डाल देंगे। दिखाइए, इधर लाइए, देखें स्टूडेंट्स ये टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको हम हीटअप कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये येलो कलर का बनने के बाद इसके बाद रेड कलर में चेंज होगा, फिर इसको हम बीकर में डाल देंगे। ओके, पकड़िएगा इसको, इधर रहेगा, हाँ हीटअप करें। देखें स्टूडेंट्स ये हीटअप हो रहा है यहाँ पे, इसको हम टेस्ट ट्यूब में हीटअप कर रहे हैं। तो हमने बीकर में हम डाल रहे हैं इस रोम्बिक सल्फर को, ये सल्फर जो हमने मेल्ट किए ये आपको बीकर में देखें नज़र आ रही है यहाँ पे, ये आपको जो ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे को जो है इस वक्त प्लास्टिक सल्फर गिरते हुए नज़र आ रही है, जो कि हमने टेस्ट ट्यूब में हमने इसको हीटअप किया था सल्फर को, और ये हमने इसको ठंडे पानी में बीकर में कन्वर्ट किया तो प्लास्टिक सल्फर हमको इस तरह गेटअप हो गई। सो स्टूडेंट्स काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बुक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।